ये है राजस्थान का पाली शहर, जो देश भर में जाना जाता है अपने रंगाई छपाई उद्योग के कारण। इन चटक रंगों और परंपरागत डिजाइनों के कपड़ों ने पाली को देश विदेश में एक नई पहचान दी है। और अब पाली ने एक और रूप में प्रसिद्धि पाली है, साक्षरता के मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल करके। उसमें जो खूबी है उनका, उनके कार्यक्रम में, वो ये था कि उन्होंने हर तरह के जो डेवलपमेंट कार्य थे, वहाँ के जितने भी ऐसे कार्य थे, उनके साथ उन्होंने हमारे इस साक्षरता का कार्यक्रम को जोड़ा और बहुत अच्छी तरह जोड़ा। लोगों को ये पता चला कि अगर हम साक्षरता और विकास को जोड़ लें, इकट्ठा इसको चलाएं, तो जाकर दोनों किस्म के फायदे हमें मिलेंगे। और ये इसके जरिए, इस मैसेज के जरिए जो उन्होंने कैंपेन चलाया, मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा कारण रहा पाली में। इन लोगों ने जुटकर गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में महिलाओं को, बच्चों को जोड़ा और लगातार लगन के साथ काम किया। और खुशी के ये भाव बताते हैं कि यहाँ साक्षरता का मतलब सिर्फ चंद अक्षरों के ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि साक्षरता ने यहाँ अनेक संस्थागत परिवर्तनों को जन्म दिया है। विवाह, वो भी बचपन में। जी हाँ, राजस्थान का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास ऐसे ही असंख्य उदाहरणों से भरा पड़ा है। खेलने खाने की इस उम्र में इन बाल दूल्हा दुल्हनों को शायद इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि आखिर शादी कहते किसे हैं, इसकी जरूरत क्या है, लेकिन उन्हें असमय ही इस बंधन में बांध दिया जाता है, कुछ परंपरागत भ्रांतियों के कारण और खासकर अज्ञानतावश। और ढोल बाजों के इस शोरगुल में लोग ये भूल जाते हैं कि यह कानूनन जुर्म भी है। बाल विवाह की वकालत में उनका तर्क होता है कि ये सदियों से प्रचलन में है, तो अब क्यों ना हो। लेकिन साक्षरता के प्रचार प्रसार के बाद इस तरह की भ्रांतियां टूटने लगी हैं। लोगों के जीवन पर से कुप्रथा और अंधविश्वास का साया उठने लगा है। जिला साक्षरता समिति के कोर ग्रुप के सदस्य और पार्षद शमीम मोतीवाला इन बदलावों को स्पष्ट शब्दों में बताती हैं। साक्षरता के बाद में स्पेशल रूप से, सामाजिक रूप से लोगों के अंदर बहुत बदलाव आया। जैसे सामाजिक जो कुरीतियां लोगों के अंदर थी पहले, तो उसकी जो मानसिकता जो है कि बचपन में विवाह कर देने चाहिए या बचपन में सगाई कर देनी चाहिए या जैसे कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों के मन में एक भावना आई है कि नहीं, कि शादियाँ बड़े होने के बाद में होनी चाहिए या कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, सर्विस भी जरूरी है, उनके पाँव पर खड़ा करना भी जरूरी है, ये सब बातें भी आई। और ये सब संभव हुआ है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जिला समिति के अथक प्रयासों से। पाली जिला को संपूर्ण साक्षर बनाने के उद्देश्य से 1993 में जब साक्षरता परियोजना पर अमल शुरू हुआ, तो जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों में साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कई तरीके अपनाए गए। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि एक ओर जहां मौलवियों ने बैठक कर मुस्लिम समाज को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया, वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारियों ने भी मंदिर आने वाले लोगों को इकट्ठा कर अपनी उपस्थिति में साक्षरता की क्लासें लगवाई। इन धार्मिक महत्व वाले व्यक्तियों के साक्षरता संदेश से निरक्षरों में साक्षरता के प्रति गंभीर रुझान पैदा हुआ। इसके अलावा साक्षरता अभियान से जुड़े आखर दूतों ने गांव में रैलियां निकाली। इनमें परंपरागत झांकियां भी होती थीं और साक्षरता की इबारतें भी। स्कूल जाने वाले बच्चों ने हाथों में किताबें लेकर निरक्षरों को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। प्रचार गाड़ी को गली गली घुमाया गया। साक्षरता के सूरज तले आने और निरक्षरता के अंधकार को भगाने का आह्वान किया गया। मौके पर इकट्ठा लोगों को प्रेरित किया गया कि आओ मिलकर पढ़ें, लिखें और कुछ कर दिखाएं तथा माथे पर निरक्षरता के कलंक को मिटा दें। फिर गांव के निरक्षरों के दरवाजे पर आखर दूतों ने दस्तक दी। उन्हें साक्षरता के फायदों के बारे में बड़े आत्मीय ढंग से बताया। और जब फिर एक बार पढ़ने की ललक जग गई, तो फिर गांव के साक्षरता केंद्रों पर निरक्षरों की भीड़ जुटने लगी। नतीजा ये हुआ कि खाटड़ा गांव का नैनाराम जैसा निरक्षर, जो पहले अपना सारा दिन मवेशियों को चारा देने और खेतों में काम करने में बिताता था, अब गांव के साक्षरता केंद्र पर अक्षरों को सीखने लगा। और आज नैनाराम के लिए किताब कोई अबूझ पहेली नहीं है, अब वो लिख पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जीवन में पढ़ाई के महत्व को समझ लिया है। पढ़ाई का तो फायदा ही है, पढ़ाई ज्यादा रहेगी, बातों का फायदा है। साक्षरता अभियान ने नैनाराम जैसे अनपढ़ों को तो साक्षर बनाया ही, साथ ही साथ इस अभियान ने घर घर में पढ़ाई का माहौल बनाया।
पाली शहर के रंगानियावास की नूरानी गली के इस घर में तो कुछ खास ही हुआ है। आमतौर पर माँ बाप बच्चों को होमवर्क करवाते हैं, लेकिन यहाँ 16 वर्षीय घरेलू लड़की मदीना ने अपने घर के कामकाज से समय निकालकर मोहल्ले वालों को तो पढ़ाया ही, साथ ही साथ अपनी माँ को भी पढ़ना लिखना सिखाया। साक्षरता केंद्र जब शुरू हुआ और कहा कि साक्षरता हो रही है, तो सब मेरे को बोला कि ये प्रोग्राम होगा, आप साक्षरता केंद्र आपके घर पे खोलो। जब मैंने बाकी मोहल्ले की औरतों के साथ साथ मेरी मम्मी को भी पढ़ाना शुरू कहा, और अल्लाह के शुक्र से मम्मी पढ़ने भी लग गई है। मदीना की माँ मुमताज कहती हैं कि बच्चों को पढ़ाना तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जब मेरी बेटी ने मुझे पढ़ने को कहा तो शुरू शुरू में थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर अब पढ़कर काफी अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, मैं सब मैं करूंगा और पढ़ू आगे। इस पढ़ाई से फायदा ये हुआ कि लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव आया और वे स्वास्थ्य और सफाई के प्रति सचेत हो गए हैं। लोगों में जैसे हेल्थ के बारे में भी डेवलपमेंट हुआ है लोगों के, जैसे कि किस तरह से मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए, मलेरिया होता है तो उसके लिए क्या इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर के पास ज्यादा तादाद में लोग जाने लगे हैं। इससे साक्षरता ने रहन सहन का स्तर सुधारने के साथ साथ खासकर ग्रामीण महिलाओं की कार्य गतिविधियों को भी एक नई दिशा दी है। इसका जीता जागता सबूत है जिले के लांबिया गांव की महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध उत्पादन समिति, जहां रोज सुबह लगती है महिलाओं की ये लंबी कतार। यहां हर दिन 500 लीटर के करीब दूध इकट्ठा किया जाता है, लेकिन डेयरी में दूध स्वीकारने से पहले उसकी शुद्धता मापी जाती है, फिर इन्हें इकट्ठा कर बाहर भेजा जाता है। इन सब कामों के लिए पहले उन्हें पुरुषों का सहयोग लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गांव में साक्षरता अभियान की सफलता के बाद अब यहां महिलाओं ने सारा काम अपने हाथों में ले लिया है। दूध के मापतौल और लेखा जोखा से लेकर पैसों का हिसाब किताब सारा कुछ दुर्गा और शोभा मिलकर खुद कर लेती हैं। साक्षरता के इन्हीं फायदों को देखते हुए मानला गांव में अक्षर के इस मंदिर पर नवसाक्षरों की एक अनौपचारिक परीक्षा भी ली जाती है, ताकि समय समय पर नवसाक्षरों का बौद्धिक मूल्यांकन भी होता रहे। इस जन चेतना केंद्र को पिछले 3 सालों से चलाने वाली कौशल्या देवी जैसी आखर दूतों ने तो साक्षरता को व्यापक बनाने में, उसे जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव की 25 से भी ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को साक्षर बना चुके इस आखर दूत को उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिला है। तो मैंने एक सुख सागर और शिव पुराण ला के पढ़ाया और महिला को जागृत किया कि देखो मैं पढ़ी लिखी होने के बाद में आपको इतना ज्ञान दिया, अगर मैं न पढ़ी होती तो आपको तो ये ज्ञान धार्मिक ज्ञान तो होता भी नहीं। तो उसके बाद में उस बुढ़ी बुढ़ी औरतों ने अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को भेजा के देखो वो कितने होशियार है। और ये है चंचल, घर वालों ने इन्हें बचपन में नहीं पढ़ाया, अब ससुराल में साक्षर होने के बाद इनके जीवन में कई तब्दीलियां आई हैं। ये साफ सफाई के प्रति सजग रहने लगी हैं, और इससे भी बड़ा फायदा इन्हें ये हुआ कि अब ये अपने पति से पत्र व्यवहार कर सकती हैं। 5-10 रुपए का सामान लेने को गया था, ऐसा कुछ अपन को मालूम पड़ जाता है कि कम दिया कि ज्यादा दिया घर में, तो मालूम पड़ जाता है। अपना आदमी भी बाहर जाते तो अपन पत्र तो लिख लेते। सचमुच आज की साक्षर महिलाओं को ये पता होता है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, इसलिए वो अकेली सफर कर सकती है और दुकानों पर खरीदारी के वक्त पैसे का हिसाब किताब कर सकती है। अक्षरों के ज्ञान से आत्मविश्वास के कारण वे अपने हर काम को अधिक कुशलता से कर सकती हैं। अपनी इन उपलब्धियों के बदौलत आज उत्तर साक्षरता के दौर से गुजर रहे पाली में साक्षरता अभियान का जिक्र तब तक पूरा नहीं होगा जब तक यहाँ के गांव हिंगावास में साक्षरता के प्रभाव को न देखा जाए। भेड़ पालन के मुख्य पेशे वाले इस गांव में भेड़ों को चराने वाले रेवड़ों के बीच साक्षरता का संदेश फैलाने के लिए रघुनाथ देवासी जैसे आखर दूत ने अपना काम धंधा छोड़ दिया और उन्हें भेड़ों को चराने की जगह पर ही जाकर पढ़ाया। इसका फायदा क्या हुआ, सुनिए उन्ही की जुबानी। पहले लोग अनपढ़ थे, अंगूठा करते थे और अपने भेड़ बकरों बकरियों को चराने जाते थे, तो हमेशा वो उनको पता नहीं चलता था कितनी गुम हो जाती है, कितनी वो वापस घर आती है शाम को, कई कई बार जंगल में गुम हो जाती थी। तो अब क्या है कि वो आते हैं तो अपनी उन भेड़ों की गिनती भी कर लेते हैं, जिससे उनको ये भी पता चल जाता है भाई कि जैसे 50 थी तो 50 में से कितनी आई है, 45 आई है, 48 आई है, 2 गुम हुई है या नहीं हुई है या बराबर आ गई, वो उनको खुद को सबको मतलब ऐसे पता चल जाता है। सामाजिक परिवर्तन का एक बीज इस साक्षरता कार्यक्रम में जरूर बोया है। अब ये किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से फलीभूत होता है, ये देखना अभी बाकी है, किंतु जो संकेत अभी हमको प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग है। और मैं सोचती हूँ ये कार्यक्रम यदि इसी प्रकार चलता रहा, लोगों का, जनमानस का
जनप्रतिनिधियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का इसमें जुड़ाव बना रहा तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। जहां पाली ने साक्षरता को विकास गतिविधियों से जोड़ा, वहीं सीकर ने भी महिलाओं की साक्षरता पर खासा जोर दिया। 1991 के सेंसस के अनुसार राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां फीमेल लिटरेसी यानी महिलाओं की जो साक्षरता की परसेंटेज है वो भारतवर्ष में सबसे कम है। तो एक ऐसी जगह में जहां पहले से ही साक्षरता का दर कम है और खासकर महिलाओं में सबसे कम है, उस जगह में एक इतना अच्छा रिजल्ट दिखाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। और इसलिए पाली और सीकर को एक स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए कि इतने मुश्किलों के बावजूद, इतनी डिफिकल्टीज को ओवरकम करके इन्होंने एक इतना अच्छा कैंपेन चलाया, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है और नेशनल लिटरेसी मिशन के लिए एक बहुत गर्व की बात है। सीकर जिले के ग्रामीण अंचलों में जहाँ की एक एक गतिविधि आज साक्षरता के रंग में रंगी नजर आती है, चाहे खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर हो, भेड़ चराती रेवड़ हो या पेड़ की छांव तले बूंदी बांधने का काम करती रघुनाथगढ़ गांव की ये महिलाएं हो, इनके गीतों में उभर कर आती है इनकी भावनाएं और अंदर का आत्मविश्वास। काम तो इनका पहले भी यही था, लेकिन अक्षरों का ज्ञान हो जाने के बाद इनके हाथों को एक नया बल मिला है और चेहरों को मिली है एक नई रौनक। साथ ही साथ जीवन के प्रति इनका नजरिया और चीजों को देखने के इनके अंदाज में भी काफी बदलाव आया है। इन्होंने शोषण से मुक्ति भी पाई है। हमारे पहले इतना था कि हम घूंघट निकाल कर घर में रहती थी, अब हमारे पढ़ने से ये फायदा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दुकान पर जाते हैं तो हम दुकानदार से ठगी में नहीं आते हैं, हिसाब करके हमारे पैसे देते हैं और हिसाब करके चीज लेते हैं। अब मैं इतना दिन पढ़ी लिखी नहीं थी, जब हमारा कोई पैसा खा ले तो अब मैं जब पढ़ी लिखेगी अब हमारा कोई बख्शिशन में कोई भी पैसा नहीं खा सके। घर का छोटा मोटा सभी काम हिसाब कर लेते हैं और कहीं पर भी सफर भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीकर जिले के नवसाक्षरों के जीवन में आया ये सुखद बदलाव नतीजा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जिले में चलाए गए सघन साक्षरता प्रयासों का, जिसकी खासियत रही है उमा रत्नू जैसी स्वयं सेवक महिला। बोदलासी गांव की इस बहू ने साक्षरता अभियान के महत्व को समझते हुए अपनी एक छोटी सी टोली बनाई और घर घर जाकर महिलाओं को साक्षरता के बारे में बताया, उन्हें किताबें दी और मांगलिक कार्यों का प्रतीक पीला चावल लेकर उन्हें साक्षरता केंद्र पर आने का न्योता दिया। और जब महिलाएं क्लास में जुटी तो अक्षर ज्ञान कराने के साथ साथ उन्हें सामाजिक बुराइयों के प्रति आगाह किया गया। फिर गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर गांव में शराब के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने गांव में शराब पीने वालों को समझाया, उन्हें चेतावनी भी दी और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या हुआ, सुनिए खुद इस महिला स्वयं सेवक की जुबानी। इस गांव की इतनी हालत खराब थी, शराब में सारे डूबे रहते थे, 50 रुपए कमाते 30 रुपए की शराब पी लेते, लेकिन जब से साक्षरता चली हम महिलाओं ने संगठित होकर के मैं यहाँ आई और इन महिलाओं को सबको इकट्ठा किया। शुरू शुरू में सब पर्दा करती थी, लेकिन धीरे 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 इतना इनमें परिवर्तन हुआ और ये पढ़ने लिखने लगी, अपने नाम भी लिख लेती हैं, अखबार भी बड़ी रुचि से पढ़ती हैं और सबसे ज्यादा अपने बच्चों को, बड़ी से बड़ी तादाद में बच्चियों को, जो यहाँ लड़कियों को पढ़ाना तो महापाप समझती थी कि लड़कियों को पढ़ाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लेकिन पहले खुद पढ़ी, स्वास्थ्य के बारे में सचेत हुई और शराब का प्रचलन तो एक तरह से जड़ा मूल से चला गया। ये तो एक उदाहरण भर है साक्षरता अभियान के प्रति स्वयं सेवकों की लगन और मेहनत का। 1992 में जब सीकर जिले को संपूर्ण साक्षर बनाने की परियोजना पर काम शुरू हुआ, तब सबसे पहले जिले की 9 नगर पालिकाओं और 954 गांवों में 6 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 3.5 लाख नव साक्षरों की पहचान की गई। इसमें निरक्षर लड़कियों और महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया। फिर हर 10 निरक्षरों पर एक आखर देवरा यानी कि साक्षरता केंद्र बनाया गया। स्कूली बच्चों से लेकर पढ़े लिखे नौजवान तक विभिन्न आयु वर्ग के करीब 31,000 आखर सेनानियों को प्रशिक्षित कर उन्हें साक्षरता के काम में लगाया गया। हमारे जिले में जिन लोगों ने भी तपती दोपहर में जब पारा 50 डिग्री पर हुआ करता था और उस दोपहर को भी हमारे आखर सेनानियों ने
आखिर सचिवों ने और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम किया है उनको ये पुरस्कार पाके वास्तव में बेहद प्रसन्नता हो रही है और वो दुगने उत्साह से अपने फील्ड में लग गए हैं कि हम और उत्साह से काम करें ताकि कोई भी ऐसा निरक्षर नहीं रहे जो साक्षर नहीं हो पाया हो। और इनाम मिलने पर कार्यकर्ता भी फूले नहीं समा रहे। मिलने के बाद सीकर शिखर पर पहुंचा है, मस्तक हमारा ऊंचा है और इस प्राइज मिलने के बाद में हम और ज्यादा प्रेरणा देगा ये प्राइज। इन आखर सेनानियों को हौसला मिला जिला साक्षरता समिति के कार्यकर्ताओं से जो हर मौके पर इनके साथ रहे। उन्होंने गांव में सभाएं की, गांव में साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रैलियां निकाली गईं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन आयोजन में उमड़ी भीड़ को गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से साक्षरता का संदेश दिया गया। लोगों ने उसे ध्यान से सुना और देखा, खासकर निरक्षर महिलाओं पर इन सब बातों का व्यापक असर पड़ा। फिर तो शाम ढलते ही क्या हिंदू और क्या मुस्लिम साक्षरता केंद्रों पर सभी जाति और धर्म के निरक्षरों की भीड़ जुटने लगी। उन्होंने पूरे मनोयोग से अक्षरों को लिखना और पढ़ना सीखा। बेसवा गांव की नवसाक्षर मेराज कहती हैं कि नारी को शिक्षित करने का मतलब पूरे घर को शिक्षित करना है। जब नारी शिक्षित होगी तो घर सारा शिक्षित होगा, नारी का शिक्षित होना जरूरी है। और साक्षरता के दिए की रोशनी को बढ़ाने के लिए मोहम्मद हुसैन जैसे विकलांग भी अपनी शारीरिक कमजोरी भूलकर आगे आए और उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। साक्षरता के प्रति स्वयंसेवकों की लगन और निरक्षरों के उत्साह का ये परिणाम है कि आज इस जिले की करीब 3/4 आबादी साक्षर है। इसका एक उदाहरण है कनु, जो लोहार परिवार से आती है। लोहारी के अपने पुश्तैनी काम में घर वालों का हाथ बटाने वाली कनु ने आज पढ़ना लिखना सीख लिया है और इस तरह उसने जिले में अपनी बिरादरी की पहली नवसाक्षर होने का गौरव पाया है। और इसमें उसकी मदद की है स्कूल में पढ़ने वाली सरोज ने। कोई हिसाब वगैरह होना तो ये कर लेती है सर। साक्षरता के इस व्यापक फैलाव का असर ये हुआ कि गांव की महिलाओं का पर्दा प्रथा पर से भरोसा उठ गया और वे अपने अधिकारों और जीवन की दूसरी जरूरतों के प्रति जागरूक हो गई है। जब से हमने संपूर्ण साक्षरता का अभियान इस जिले में छेड़ा है, उन्होंने हमें अपने पत्रों के माध्यम से उनको अक्षर ज्ञान कराया गया। अक्षर ज्ञान कराने के बाद में उनमें इतनी जागृति आ गई कि वो अपनी आवश्यकताओं के प्रति और चेतना जो है उनमें जो आई है उससे जिला कलेक्टर को वो सीधे ही पत्र लिखने लग गई। किसी भी बात को लेके वो घर की घूंघट से बाहर आके वो हमसे बात करने की हिम्मत रखती हैं। पहली बात तो ये कि उनमें चेतना आई है कि साक्षरता से ही ये संभव हो पाया है कि वो अपनी समस्या दूसरों को बता सकती हैं। साक्षरता की ये लहर सिर्फ ग्रामीण अंचलों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी इसका व्यापक असर पड़ा है। सीकर शहर के अंबेडकर नगर में लगने वाला जन चेतना केंद्र तो धार्मिक एकता का एक बेजोड़ उदाहरण बन गया है। यहाँ पठन पाठन का काम शुरू होता है मुस्लिम महिला के हाथों ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना के साथ। जाहिर है कि साक्षरता अभियान ने मुस्लिम समाज के दृष्टिकोण को एक सकारात्मक दिशा दी है। पहले तो जब साक्षरता शुरू हुआ था तब मुस्लिम लिंग वर्ग मिला था पढ़ाने के लिए, तो उन ग्रहों में दस्तक भी नहीं दी जाती थी, अंदर हमें प्रवेश नहीं दिया जाता था कि आप हमें नहीं पढ़ने देंगे। फिर उन्हीं ग्रहों में हम इतनी स्नेह बुद्धि निभाई कि उन्हीं ग्रहों की महिलाएं पढ़ी लिखी और जैसे कवि प्रतियोगिता हुई थी दिल्ली, तो उसी परिवार की लड़की का चयन हुआ, उसको आज पढ़ना लिखना भी आता है और इंग्लिश के अंदर भी ABCD लिख लेती है। इस चेतना से मुस्लिम महिलाओं को बुरके के दुनिया से बाहर आकर अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिला है। हमारे पहले पर्दा था, बाहर नहीं जाने आने जाते नहीं देते थे लड़कियों को, तो पर्दा है हमारे मुस्लिम में। तो अब क्या सब पढ़े लिखे हो गए, साक्षरता शुरू हो गई, तो हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, सब एक बराबर है, सब एक समान है, तो हमें अब कोई फर्क नहीं है हिंदू मुस्लिम में। सब अपने लड़कियों को पढ़ाते हैं, सब बहुत सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ मिलेगी अपने मुस्लिम में। साक्षरता से आई जन चेतना का एक असर ये भी हुआ कि अनुसूचित जाति के लोगों की पहल पर यहाँ एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की गई। जिनके बच्चे पढ़ाई से वंचित थे अब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजना शुरू कर दिया है। बाहर तो बाहर, जिला कारागार के बंद फाटक के अंदर भी साक्षरता ने अपने रंग बिखेरे है। जेल की ऊंची दीवारों पर लिखी साक्षरता की ये इबारतें महज शब्दों का खेल नहीं है बल्कि बैरक में लगने वाले जन चेतना केंद्र में निरक्षर और अर्ध साक्षर कैदी अक्षर ज्ञान भी सीख रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन्हीं में शामिल है धारा 302 के तहत बंद रामगढ़ का श्यामलाल। साक्षरता क्लास यहाँ चल रही है, उसमें काफी कुछ सीख रहे हैं और जाने के बाद में इन अपराधों से
जीवन से दूर रहने की और लोगों में अच्छी बातें कहने की, सुनने की, और जहाँ कहीं भी अपराध होते हैं उसकी सूचना उन पुलिस अधिकारियों को या जो भी है उनको देने की, ताकि देश में, समाज में व्याप्त बुराइयां दूर हो सके और अपना देश और हम देशवासी तरक्की के मुकाम तक पहुंच सके, ऐसे कोशिश करेंगे। इस जेल के युवा जेलर कैलाश त्रिवेदी स्वयं कैदियों की साक्षरता में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। जो भी मुलजिम अनपढ़ आता है या अंगूठा लगाने वाला आता है, हम ये तय करते हैं कि ये जेल से छूटते समय साक्षर होके जाए, अंगूठा लगा के न जाए, अपना नाम लिखकर जेल से बाहर जाए। तो जब उद्देश्य इतने पवित्र हो और हर कोई तन मन से लगा हो तो जन जन को साक्षर होने से भला कौन रोक सकता है। और इसी बात की बेहतर मिसाल पेश की है सीकर जिले ने, जो साक्षरता के पहले चरण को सफलता पूर्वक पूरा कर उत्तर साक्षरता के दौर से गुजर रहा है। और तभी तो पुरानी हवेली और दीवारों पर बने चित्रों के लिए देश विदेश में मशहूर सीकर जिले के इन भीति चित्रों की चमक भले ही फीकी पड़ने लगी हो, लेकिन साक्षरता ने यहाँ के लोगों के जीवन में नया रंग भर दिया है। पुरस्कार मिलने की खुशी ने तो इस रंगत को और भी चमक दे दी है। गांव रुलानी में राग रंग का ये माहौल तो यही दर्शाता है। सचमुच जिला साक्षरता समितियां अपना दिन रात एक करके निरक्षरों को पढ़ाने में जुटी हैं। इन कठिन प्रयासों से ही तो एक दिन मंजिल मिलेगी। इन जिलों में चलाए जा रहे साक्षरता अभियानों को देखकर तो यही लगता है मानो सभी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाना चाहते हूं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश क्या विदेशों में भी मशहूर शिमला आज एक अपनी नई पहचान बनाने में जुटा है। खास बात ये भी है कि ये पहचान बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही या फिर बड़े कंक्रीट के जंगलों से नहीं बन रही, बल्कि जो शिमला की नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो है दूर दराज के पहाड़ियों में बसे गांवों से, और जिसका प्रतीक है रामेश्वरी की जुबान से निकले ये चंद अल्फाज। अगर हम बाजार में परचेजिंग करने जाएं, तो हमारे को बड़ी अंग्रेजी में लिखा होता है बाहर, किसी भी चीज में देखो बाहर के उसके कवर में लिखा होता है कि भाई ये इंग्लिश में हमारे को आता नहीं। टूटी फूटी हम हिंदी हैं तो जोड़ जोड़ के उसका मूल्य बता सकते हैं कि इतने की है, इतने पैसे हमारे वापिस आने चाहिए। अब उसमें आर और सी होता है, कुछ भी होता है लिखा हुआ, और उसको तो हम जोड़ नहीं सकते, और जोड़ने के बाद हम उसका जो है मूल्य बता सकते हैं कि इतने हैं। हिंदी में हम उसका सारा बता सकते हैं, मतलब इंग्लिश में हमारे को कुछ भी नहीं आता। इंग्लिश हमारे ऐसे लिए कि जैसा ब्लैक बोर्ड काढ़ा है कि, और उसमें हमारे को पुस्तकें लिखने के लिए और पढ़ने के लिए आनी चाहिए। जी हाँ, भले ही देश के दूसरे हिस्सों के लिए ये छोटी सी बात है, पर उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है जिन्होंने पिछले 2-4 सालों से ही अक्षरों की बनावट को देखा है, महसूस किया है कि अक्षरों का महत्व क्या है, वो भी ऐसे इलाकों में जहाँ पहुँचने के लिए सड़क की बात छोड़िए ढंग के रास्ते तक नहीं है। मौसम विपरीत है और इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे दुर्गम इलाके में रहने वाली महिलाएं आज अंग्रेजी सीखने की बात करती हैं, तो क्या ये साधारण बात है? जो हमारे साक्षरता कर्मी थे उन्हें 5 से 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इसकी इन कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे जो अक्षर सैनिक थे वो पूरी स्वयं सेवी भावना से प्रेरित होकर इन असाक्षर भाई बहनों को पढ़ाते रहे। पीएलसी के दौरान हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं तो उसको देख करके वो जरूर इस तरफ आकृष्ट होती है। पुराने समय में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में साक्षरता की कहानी की शुरुआत हुई आज से लगभग 4 साल पहले। इस दिशा में सबसे पहला काम जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक में साक्षरता समितियों का गठन किया गया, ताकि साक्षरता संबंधी सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। फिर 9 से 45 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की पहचान की गई। इस दौरान करीब 70% ऐसी महिलाएं सामने आईं जिनका खुद का अक्षरों से नाता ना के बराबर था। यही वजह रही कि साक्षरता अभियान की शुरुआत में ही महिलाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। ये भी सोचा गया कि अगर सारी महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं, तो आने वाली पीढ़ी को भी निरक्षरता के अंधकार में डूबने से बचाया जा सकता है। इस काम में आगे आई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं, वो भी बगैर किसी स्वार्थ के, लेकिन मकसद के बिना नहीं। वे एक स्पष्ट सोच लेकर हर जगह आगे आईं।
घूम घूम कर कहीं नारों या जुलूस के जरिए तो कहीं आंचलिक संगीत के जरिए निरक्षरों के बीच साक्षरता का संदेश फैलाया गया कि भले ही हमारी मंजिल अभी दूर है पर उसे पाना जरूर है। इससे मतलब है कि हमारी मंजिल दूर है इस, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि पढ़े और अच्छे अच्छे इंसान बने। इतना कुछ होने के बावजूद जितनी कठिन जिंदगी पहाड़ों में रहने वालों की थी ठीक वैसी ही मुश्किलें थी दूर दराज की घाटियों में फैले अभियान को चलाने की। लेकिन भला जिसकी जिंदगी पहाड़ के उबड़ खाबड़ चट्टानों से होकर गुजरी हो वो कहाँ हार मानने वाले थे। ये अलग बात है कि इन्हें सफलता तुरंत नहीं मिली पर जब मिलनी शुरू हुई तो कईयों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जंगलों से होकर साक्षरता घर में आती महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। ये उत्साह नहीं तो और क्या है कि आज पहाड़ियों से होकर गुजरते वक्त इनके हाथों में हथियार के बजाय किताब कॉपी होती है। कुछ तो इन भोली भाली महिलाओं को हासिल हुआ है तभी तो ये पढ़ने में जी जान से जुटी है। अब अजमेरी की ही बात लीजिए। मैं सर्विस कर दी जी कारपोरेशन में और पहले मेरे को गुट्ठा लगाना पड़ता था ऐसे करके, तो अब मेरे को पढ़ने से जरा अच्छा लगता है कि मैं सहन करना सीखी अपने सहन करती तनख्वाह ले लेती। अजमेरी ने तो महज हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना सीखा और बाकियों ने बाहर कहीं निकले तो भी बस कहाँ जा रही है पहले पूछना पड़ता था, अब हम खुद ही पढ़ लेते हैं भी कहाँ जा रही है, शिमला आ रही है के शिमला से कहाँ जा रही है, अंबाला जा रही है के दिल्ली जा रही, अब सब हम पढ़ लेते हैं खुद ही। पर क्या इस उम्र में पढ़ने से इन्हें शर्म या झिझक नहीं महसूस होती? जब पढ़ना तो फिर शर्म काय की है, उसमें शर्म तो उस बात में थी जब दूसरों के आगे मिन्नत करनी है ये काम हमारा कर दो या ये हिसाब कर दो, अब खुद अपना हिसाब कर सकते हैं तो इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं। पढ़ो लिखो भाई मेरी बहना पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी।